अस्सलाम वालेकुम, कैसी है माई YouTube फैमिली। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश रहें, आबाद रहें और मुझे दुआओं में याद रखें। आज हम बिहारी चिकन मसाला बना रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्याज लिए मैंने तली हुई, दालचीनी के टुकड़े हैं थोड़े से, जीरा पाउडर, जीरा है एक, काली मिर्चें, लौंग, साबुत लाल मिर्च है 7 से 8, और एक मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून जीरा लिया है मैंने, 8 से 10 लौंगे, इतनी ही काली मिर्चें। ये देखें, 1.5 टेबल स्पून धनिया लिया है साबुत, 4 से 5 टेबल स्पून दही के लिए। सारे मसाले हम अच्छे से भून लेंगे। मिर्च मैंने तोड़ दी है, बहुत बड़ी थी, इसको जब तक खुशबू ना आ जाए जब तक आप भूनें इसके अंदर, और बहुत तेज़ आंच में ना भूनें वरना मसाले जल जाएंगे आपके, और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। 1 किलो मैंने चिकन लिया है बोनलेस, इसके अंदर दही ऐड कर रही हूँ, ये तली हुई प्याज मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये हमने जो मसाला पीस के रखा था, देखिए इतना दरमियाना पीस है, बहुत ज़्यादा बारीक ना हो। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, उसको हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे। मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगी, आप चाहें ज़्यादा टाइम के लिए रखना है तो उसको आप फिर फ्रिज में आराम से इसको मैरिनेट करके रख दें। नमक ऐड करेंगे उसके अंदर, आप चाहें तो इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें ऑयल नहीं ऐड किया मैरिनेशन में। अब ये देखें, 1 कप मैंने ऑयल लिया है इसके अंदर, और तेल हम तेज़ गर्म करके इसके अंदर डालेंगे। चिकन बहुत जल्दी हो जाती है, छोटे पीस हैं बोनलेस के हैं, तो इसलिए फ्लेम हाई रखी है इसकी, मैंने भी हाई रखी है ताकि हम जल्दी जल्दी इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, वरना चिकन टूट जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। वीडियो एटलीस्ट 2-3 मिनट वॉच किया करें, उसके बाद सब्सक्राइब किया करें। देखिए, अच्छे से हमारा एक गोश्त तल चुका है। अब थोड़ी सी इसमें एक पिंच हल्दी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे। 2 टमाटर मैंने पीस के रखे थे, उसको मैं ऐड कर रही हूँ अब इस वक्त। मसाला हमारा बिल्कुल भून चुका है, पानी बिल्कुल नहीं है, हम ताकि जल्दी जल्दी इसको हम भून लेंगे। बहुत जल्दी बड़े क्विक सी रेसिपी तैयार हो जाती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। बोनलेस बीफ की बोटियाँ आप मैरिनेट करके उसको पपीते लगा के रख दें। अदरक, हरी मिर्चें ऐड करी है मैंने इसके अंदर, हरा धनिया ऐड करा है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा इसके अंदर हरा धनिया वगैरह नहीं जाता है। देखिए हमारी कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया, कितना खूबसूरत सा, बूटियाँ भी नहीं टूटी हैं बिल्कुल भी, ऑयल भी इसका बिल्कुल आ चुका है। अब हमने एक कोयला गरम करके रखा था, इसको हम थोड़ा सा स्मोकी लुक देंगे ताकि इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए, बिहारी का बारबेक्यू का टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर, बहुत ही मज़ेदार लगता है। कलर देखिए आप कितना